तुझसे एक पल भी ना जुदा हो पाया, मैं किसी का हुआ ना हो पाया, अरे बाप जोगिया जोगिया रे एना, जलवा
सर ये क्या क्या है? ऐसा ऐसा प्रॉमिस किया गया था आइडल में कैसा होगा ये तो बताया नहीं था किसी ने। ये क्या था? एक चीज जी कंप्लीटली दिस इज माय फैन बॉय मोमेंट। इतने सारे सिंगिंग शोज हैं इस देश में, इतने बरसों से सीजन दर सीजन क्या वजह है कि इंडियन आइडल नंबर वन की पोजीशन हिट करता रहा है? मुझे वो आज समझ में आ गया वहां बैठे हुए। जी सर, बाकी दुनिया के सारे शोज में देखा जाता है हाँ कौन कितना अच्छा गाता है, ये बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छी चीज है, इसको हम विनर बनाएंगे, ये आगे जाएगा और वो जीत के आएगा। इंडियन आइडल की शर्तें इतनी कठिन हैं, इतनी कड़ी हैं कि यहाँ आप बहुत अच्छा गाते हो ये सिर्फ आपकी आधी क्वालिटी है, बाकी आधी क्वालिटी ये है कि 360 डिग्री परफॉर्म करना आता है क्या? ऐसा परफॉर्म करना आता है क्या? यहाँ जा रहे हैं आप, वहां जा रहे हैं, पूरी जो ज्योग्राफी है स्टेज की, ऐसा लग रहा था कि आप विराट कोहली हो और पिच के हर कोने से छक्के मार रहे हो। क्या बात है यार। और मैं माफी चाहूंगा, मुझे पहले बोलने की इजाजत थी कि नहीं नहीं पता, पर मैं रुक नहीं पाया, आउट ऑफ कंट्रोल हूं, एंड फॉरगिव मी फॉर दैट, एंड इफ यू डोंट आई डोंट केयर। क्या बात है सर, यू हैव अर्न्ड इट, आप कैप्टन हैं।